हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अपर हिमालय। मैं हूं कमलेश निगे और एक और ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं अभी हूं केदारनाथ में और यहां के हाल चाल बताने वाला हूं आज की पूरी रात की, किस प्रकार की ठंड यहां पे है। काफ़ी लोग पूछते हैं मेरे को कि यार वहां का मौसम कैसा है, क्या है, ठंड कितनी है, कितने कपड़े ले आऊँ और क्या हाल चाल है, और सब चीज़ बताएँगे आज। और सबसे पहले आपको ले जाएंगे मंदिर में, मंदिर के दर्शन कराएंगे और उसके बाद दिखाएंगे कि कितनी ठंड है और रस कितना है यहाँ पर, भीड़ कितनी हो रही है और लोगों को रुकने का कितना प्रॉब्लम है या क्या है, सब चीज़ बताएंगे। और सीधा अभी मैं नीचे ब्रिज पे हूँ तो आगे ले चलूँगा सीधा मंदिर में, तो तब तक बने रहें और पहले आपको दर्शन कराते हैं मंदिर के, उसके बाद बताएंगे आज के हाल चाल। तो चलो सीधा मंदिर में मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ मंदिर की ओर। यहाँ पर ना अभी ये जो रास्ता है एकदम उबड़ा खाबड़ पूरा सा थोड़ा ख़राब हुआ है क्योंकि कंस्ट्रक्शन चल रहा है यहाँ पे, नई बिल्डिंग्स बन रही है सारी। तो ये सारे पीछे बिल्डिंग्स टूटी हुई हैं, ये देख सकते हैं, और इसकी जगह पर बन रही है नई बिल्डिंग्स। नीचे पर ओम लगा हुआ है, थोड़ा सा दिख रहा है, इधर आगे दिखाता हूँ, ये देखें ओम यहाँ पर बना हुआ है। और इसके सीधे और ले चलते हैं सीधा मंदिर में। तो सबसे पहले मंदिर बाबा के दर्शन कराते हैं, अभी रात को बंद रहता है और सबसे पहले दर्शन कर लीजिएगा। टाइम रात के 12 बज रहे हैं और मंदिर में देखें अभी आज है 3 अक्टूबर, और 3 अक्टूबर में देख सकते हैं उतनी ठंड तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत ठंड है, टोपी पहनी है, जैकेट डाली है, सब लोग ठंड थोड़ा बहुत है। उसके बाद भी रात के 12 बजे देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और इसके बाद बताते रहूँगा। यहाँ पर लाइन भी लगी हुई है, पर रात को किस चीज़ की लाइन लगी है वो भी आपको बताते हैं। और ये देखें भीड़ बहुत ज़्यादा है, पीछे की लाइन बताता हूँ, देख रहे हैं ये लोगों की लाइन लगी हुई है पूरी यहाँ से लेकर पीछे तक, और काफ़ी लंबी लाइन है। इस चीज़ भी बताते रहेंगे किस चीज़ की लाइन है, पूरा मंदिर घुमाएंगे कहाँ कहाँ रात को रहता है खुला हुआ, और पीछे शंकराचार्य जी की समाधि है वहाँ पे भी रात को रहता है, लेकिन लाइटिंग का प्रॉब्लम है, वहाँ पे लाइटिंग बिल्कुल भी नहीं है और थोड़ा सा बेकार वो चीज़ लगी मेरे को। बाकी अभी देखते हैं, सब बताते हैं इधर, तब तक बने रहें। तो मैं अभी हूँ सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट पे जो केदारनाथ का है। इस यहाँ के बहुत सारे रील्स आपने देखी होगी, यहाँ से सबसे अच्छा दिखता है। और थोड़ा सा बता देता हूँ, जो ये लाइन लगी हुई है आगे के जो कपाट हैं बाबा जी के वो बंद हैं, पीछे के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं और ये काफ़ी लंबी लाइन लगी है, देख सकते हैं यहाँ से घूमते हुए घूमते हुए, मतलब पूरे प्रांगण में यहाँ तक लाइन लगी हुई है यहाँ पूरा घूमते हुए। तो ये लाइन लगी है कि रात को अभिषेक होता है यहाँ पे 12 बजे के बाद 4 बजे तक, और उसमें एक विशेष पूजा होती है जिसके लिए आपको एक टिकट लेना होता है जो 5000 का होता है, और इस 5000 के टिकट में आप 5 लोग भी पूजा कर सकते हैं और सिंगल आदमी भी पूजा कर सकता है, लेकिन टिकट फिक्स होती है 5000 की। तो इसके लिए फिक्स टाइमिंग दिया जाता है, और थोड़ा सा इसमें यह होता है कि अच्छे से पूजा होता है, थोड़ी देर बैठ के अच्छे से भगवान जो शिवलिंग है उनको छू के और अभिषेक करके अच्छे से पूजा करने को मिलता है। तो ये लाइन उसी की लगी हुई है रात को 12 बजे तक, और अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, उसके बाद भी ये लाइन लगी रहेगी, भीड़ काफ़ी है, ठंड भी काफ़ी है,
लेकिन उसके बाद भी अभी 12 बजने को ही है, तो देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। बाबा लोगों की मंडली है जो आग धुनी जला के बैठे हुए हैं, पीछे पे भी है। और ये देखें तो ये मंदिर के पीछे से रास्ता जाता है आपके शंकराचार्य समाधि की ओर। तो ये है भीमशिला और यहाँ पे गाने चले हैं, कॉपीराइट आ जाएगा, पीछे से वीडियो बनाते हैं। तो पीछे का व्यू कुछ ऐसा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी भी पूरा नहीं हो पाया है। 2030 तक लगभग ये पूरा हो जाएगा, पूरा एकदम मॉडल रिकंस्ट्रक्शन करके। और पीछे माउंटेंस दिख रहे हैं हल्के हल्के, ये बादलों के पीछे देखें। और बाकी लोगों ने यहाँ पे कैंपिंग भी किया हुआ है। तो ये मंदिर के पीछे का व्यू कुछ ऐसे है, यहाँ पे ये छोटे छोटे एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर जो रखा हुआ है, लोगों का अलग अलग मानना होता है। और मेरा जो ये मानना है कि ये हमारे पूर्वजों से आया हुआ है, क्योंकि पहले जहाँ पे जैसे यहाँ पे केदारनाथ आना होता तो पहले ट्रैक नहीं हुआ करता था, और इस प्रकार के छोटे छोटे पत्थरों से इस प्रकार का डिनोट करता था कि रास्ता इस जगह से है, क्योंकि रास्ता दिखता नहीं है बुग्यालों में। और तो ये चीज़ बताती थी कि हाँ भाई रास्ता ये है। तो अभी सोशल मीडिया के ज़माने में हुआ ये है कि कुछ रील्स बनाए हैं, कुछ फेमस हुआ है, तो लोगों ने इसे आस्था से जोड़ दिया है। काफ़ी जगहों पर जहाँ पर भी मैं जाता हूँ इस तरह के दिखते हैं मुझे, चंद्रशिला जाओ कहीं पर भी जाओ और व्यूज़ कुछ ऐसे दिखता है। तो ये भीमशिला है और कहते हैं 2013 में जो आपदा आई थी इसी शिला ने मंदिर को बचाया था। पर मैं तो मानता हूँ अगर ये भीमशिला भी ना होता तो मंदिर का जो आर्किटेक्ट है वो इतना तकड़ा है, मतलब इतना, मतलब वो है कि मुझे नहीं लगता है कि मंदिर को कुछ होता। और देखें चंद्रमा, ये यहाँ पे हवन होता है, हवन पूजा होती है। तो यहाँ पर अभी टेम्परेली बनाया गया था टीन से, तो इसको एक रिकंस्ट्रक्शन बढ़िया तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि बड़े बड़े हवन यहाँ पर होते हैं, ये हवन कुंड है, तो इसे ये अब बनाया जा रहा है। ये देखें अभी चल रहा है इसका काम भी। और शंकराचार्य समाधि यहीं पीछे जहाँ पर लाइट है वहीं पर है, और अभी लाइट नहीं लगा गया है, थोड़ा यही मतलब दुख होता है मुझे वहाँ पर शंकराचार्य जी की जो समाधि है वहाँ पर होता होगा, हो सकता है उसका कुछ भी अलग नियम हो कि शंकराचार्य जो अपने ध्यान में मग्न थे इससे मतलब उसी कुछ बेस्ट लाइट नहीं लगी हो वहाँ पर। तो पीछे भी लाइटिंग लग रही है, अभी लगी नहीं। तो ये रात्रि भ्रमण है केदारनाथ का, ठंडा काफ़ी है। तो ये अमृत कुंड है, और जो ऊपर अंदर मंदिर के लिंग में जो पानी अभिषेक किया जाता है, चढ़ाया जाता है, वो पानी यहीं पर आके निकलता है, और इस पानी को आप घर भी ले जा सकते हैं यहाँ से निकाल के। दिन में बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, लेकिन आप ले जा सकते हैं, ये पानी सीधा लिंग से आ रहा है। देखें देखें ये मंदिर। तो लगभग आज पूरा घुमा चुके हैं मंदिर में, और काफ़ी चहरात का माहौल भी है, और ठंडा भी उतना नहीं है। अभी 3 अक्टूबर है, तो 3 अक्टूबर मैं लगा सकता है कि उतने ज़्यादा, कोई दोस्त बता रहा था कि यहाँ बर्फ़ गिरने शुरू हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। अभी अक्टूबर लास्ट और नवंबर में मुश्किल, मतलब नवंबर में गिरना शुरू होगा बर्फ़, और ठंड डे पर डे थोड़ी बढ़ रही है, और अभी उतना ज़्यादा बर्फ़ है नहीं, वो ठंड है नहीं। और तो बाकी भीड़ की बात करूं, अभी वीकेंड था, 2-3 दिन की छुट्टी थी, बहुत ज़्यादा रश आया था यहाँ पे, रूम्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे, और कैंप भी नहीं मिल पा रहे थे। अभी तो छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, इसके बाद हो सकता है कि थोड़ा भीड़ कम हो जाए और
रूम आसानी से अवेलेबल हो जाए। रूम के रेंट की बात करूँ बहुत उछल गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितने रूम के रेंट जा रहे थे। मतलब एक ही अगर चार बेड का है तो वो अराउंड 10,000-11,000 इतने का जा रहा था, इतनी भीड़ यहाँ पे थी। और बाकी व्यवस्थाएँ काफ़ी हैं, और कैंपिंग है, कैंपिंग में थोड़ा ठंड में ये रहती है कि थोड़ा सा कैंप ठंड होता है, तो बाकी ठंड वैसे उतना नहीं होता। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएँ होती हैं कैंपिंग में भी, और इतना ज़्यादा मैं कह नहीं सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा ठंड होती है, कैंप भी अच्छा है। बाकी होटल्स बहुत ज़्यादा, मतलब अभी एक्सपेंसिव चल रहा है, तो अभी नीचे चलते हैं, ओम पे मिलाते हैं आपको। तो अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है उसके चक्कर में रास्ता इधर डाइवर्ट है, और मेन रास्ता पहले ये था। मैं आपको ओम पे ले चलता हूँ, रात को ओम पे अभी लाइटिंग नहीं हुई है, वैसे लाइटिंग होना बाकी है ओम पे। और ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यहाँ रास्ता भी काफ़ी ख़राब हुआ है, देख सकते हैं आप, ये देखें। तो सीधा आप ओम पे मिलाते हैं आपको। तो ये बना हुआ है ओम, जो कि एकदम गोल पॉइंट है, जो गोल चौक यहाँ पे बोलते हैं, नीचे पर बना हुआ है। ये रिकंस्ट्रक्शन होने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा, फिलहाल तो यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है। एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा मैं पूरे ओम के बारे में, कि इस पर किस प्रकार की लाइट लगनी है, और कितना मतलब वेट है, किसने लगवाया है, और क्या क्या इसकी स्पेशलिटी है, तो सब वो एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा पूरे उसमें। तो यहाँ से मंदिर एकदम सामने दिखता है, दिख रहे हैं ऊपर पे, ये भी काफ़ी अच्छा है। रात को अभी जब लाइट लगेगी तो उसके बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। ये अभी पूरा इन्वर्टर वगैरह सब लग रहा है इस पर, और पीछे का नज़ारे दिखाते हैं आपको पूरे कैंपिंग साइट का, एकदम काफ़ी अच्छा लगता है रात को यहाँ पे। ये देखें रात को कुछ इस प्रकार के नज़ारे हैं। ये सामने वाले GMBN के गेस्ट हाउस हैं सारे, और जो काम की बात करो तो वो रात को भी चलता रहता है। देखें यहाँ पर भी काम चल रहा है पूरा, ये पूरा रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, पूरा मतलब बन रहा है पीछे कैंपिंग। ये देखें अब यहाँ पर सामने पर हॉस्पिटल है, अगर कभी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सीधा ये ओम पे आए, और ओम पे मुड़ के यहाँ पे ये नीचे पे जहाँ पे लाइट जल रही है, यहाँ पे एकदम हॉस्पिटल है गवर्नमेंट का, जो डे और नाइट हमेशा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दवाई प्रोवाइड हो जाएगी। ओ माय गॉड, सियार सियार की आवाज़ आ रही है ऊपर से, क्या पता आपको भी सुनाई दे रही हो। तो आज के लिए इतना ही, आज काफ़ी भ्रमण करा दिया है मैंने, केदारनाथ का मंदिर दिखा दिया है, और जो ओम है वो दिखा दिया है, रात को जो अभिषेक होता है उसके बारे में भी बताया है, और थोड़ा सा अमृत कुंड के बारे में बताया है। एक अलग सी वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे कुंडों के बारे में बताएंगे। और तो रात का अभी कुछ माहौल ऐसा है, और यहाँ पर उतनी ज़्यादा भीड़ है नहीं, मंदिर के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है, और 12 से ज़्यादा बज चुके हैं, तो काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, अभी रात को टहल सकते हैं, उतना ठंड है नहीं। लोग काफ़ी डरे रहते हैं कि यार अक्टूबर में वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होगी, लास्ट तक आते आते ठंड हो जाएगी, लेकिन अभी उतनी है नहीं। तो बाकी बने रहें फ़िलहाल के लिए, गुड नाइट, और केदारनाथ के जो अपडेट्स हैं लगातार देते रहेंगे, तो इसके लिए बने रहें चैनल पर। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय और गुड नाइट। और चैनल पे पहली बार है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, वैसे मैं बहुत कम बोलता हूँ पर फिर भी आप फ़र्ज बनता है कि एक बार बोल लो एक यूट्यूबर के नाते। तो बिल्कुल बने रहें, ओके, फ़िलहाल के लिए हर हर महादेव।